उदयपुर जिले के बिंडर पाणुंद रोड की घटना, सैकड़ों ग्रामीण हुए एकत्रित, फंदे में फंसी है मादा को वन विभाग ने किया ट्रैकुलाइज। आपको बता दें, उदयपुर जिले के बिंडर उपखंड क्षेत्र के बिंडर पाणुंद रोड पर बगड़गांव के निकट एक मादा पैंथर अज्ञात बदमाश द्वारा लगा फंदे में फंस गई, जिस पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मादा पैंथर को ट्रैकुलाइज करके बचाया। इसके बाद वन विभाग के पिंजरे में की निगरानी में उसे उदयपुर शिफ्ट किया गया। इस दौरान मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि माथुर ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिली कि बिंडर पाणुंद रोड पर एक पैंथर मादा फंस गई, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पहुंच करके देखा तो मादा पैंथर फंदे में फंसी हुई मिली। फंदे में फंसे होने से पैंथर मादा खूंखार होकर तेज दहाड़ रही थी। ग्रामीणों की भीड़ देखकर बिंडर पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर थानाधिकारी देवल सिंह मई टीम मौके पर जाब्ता पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित किया। इसके बाद पैंथर को बचाने के लिए उदयपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिस पर टीम के लाल सिंह पवार, डीपी शर्मा, जितेंद्र सिंह देवड़ा, शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और पैंथर को ट्रैकुलाइज करके बेहोश किया गया। इसके बाद पैंथर को पैर निकाल करके पैंथर को पिंजरे में डाला गया। बिंडर वन विभाग की टीम में वन पाल डालचंद्र गुर्जर, वन रक्षक सुरेश मेनारिया, पुष्कर पालीवाल, लालू राम रावत, बग्गा रावत, बुरालाल अहिर, नारायण अहिर, नाथु गायरी आदि ने मादा पैंथर को रेस्क्यू करने में सहयोग किया। पिंजरे में डालने के बाद ग्रामीणों की भीड़ पैंथर देखने के लिए उमड़ पड़ी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने पिंजरा बिंडर रवाना कर दिया। बिंडर वन विभाग कार्यालय जाकर पैंथर को पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागपाल ने मेडिकल चेक किया, जिसके बाद वह स्वस्थ पाया गया, लेकिन 24 घंटे की निगरानी में उसे रखा गया है।